हिंदी मीडिया में शब्दों से खेलने का बड़ा चलन है, तो मुझे लग रहा है कि टीवी की एक पर्सनालिटी हमारे साथ है, राजदीप सरदेसाई। नमस्कार। तो हम भी शब्दों से खेलते हैं और कहते हैं कि साहब ममता को गुस्सा क्यों आ रहा है, ममता मई क्यों नहीं रही वो अब केंद्र सरकार के प्रति, क्या हो रहा है ये राजदीप सरदेसाई? क्योंकि हमें एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर ये लग रहा है कि पार्टियां आपस में झगड़े, ठीक है, सबको पॉलिटिकल गेन चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, सरकारें आमने सामने हैं और जो फेडरल स्ट्रक्चर है वही खतरे में है। देखिए, ये होना ही था एक तरह से, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और मुझे लगता है कि भाजपा की नजर बंगाल पर है, 42 सीट है, और ममता की नजर मोदी पर है, दिल्ली पर है। हाँ। तो कहीं ना कहीं टकराव होना ही था। जिस तरह की राजनीति ममता भी करती है, जिस तरह की राजनीति भाजपा, अमित शाह और मोदी करते हैं, दोनों के बीच में जानी दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि टकराव तो होना ही था, क्योंकि ये जैसे आपने कहा, दो सरकारें आमने सामने आ गई है और एक दूसरे को किस तरह से चुनाव के पहले कमजोर किया जाए, इसमें लगी रही है। मोदी जी ममता की सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, ममता चाहती है कि मैं एक तरह से मोदी जी की प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देश के सामने आऊं, सभी विपक्ष के दल मुझे सपोर्ट करें। तो ये दोनों की एक तरह से आप कह सकते हैं शैडो बॉक्सिंग है, एक प्रॉक्सी वॉर है। कई लोग कह रहे हैं कि इस लड़ाई से ना टीएमसी उतनी परेशान है, ना भाजपा, सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी का विकल्प बना रही है, लेकिन ममता बनर्जी खुद विकल्प बन के आ रही है। जितना मजबूत ममता विकल्प बनेगी, विपक्षी धड़े जितना उनके साथ जुड़ेंगे, राहुल का दावा उतना ही कमजोर होगा। देखिए, ये जो लड़ाई है आज की तारीख में ये बंगाल तक सीमित है, अब वो कल कहाँ होती है और राष्ट्रीय स्तर पर अगर ममता और मोदी के बीच में लड़ाई होती है, वो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता। आज की तारीख में लड़ाई है कि ममता बंगाल को अपना गढ़ मानती है। पिछले चुनाव में 42 में से 34 सीटें ममता को आई थी। ममता को लगता है अगर मुझे 30 से ज्यादा सीटें आती है तो मैं नेशनल लेवल पर बड़ी प्लेयर बनती हूँ, तो वो अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तर और पश्चिम के राज्यों में थोड़ी सीटें कम होगी, तो कहीं बंगाल एक ही में ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है, 10 से ज्यादा सीटें, केवल एक बंगाल एक ऐसा राज्य है। ओडिशा को काउंट नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है ओडिशा में देखिए 21 सीटें हैं। हाँ। और बीजेपी को पिछली बार एक सीट मिली थी, सुंदरगढ़ की। अब वहां से 11 सीटें बनाना इतना आसान नहीं है, कोशिश रहेगी ओडिशा में भी, लेकिन बंगाल में बीजेपी को लगता है हमारे चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 42 सीटें हैं। बीजेपी को 16% वोट मिले थे पिछले 2014 के बाद, अगर 30% तक बीजेपी आती है, 32 तक आती है, तो उनकी सीटें तो डबल, अगर वो अपने परसेंटेज कर पाती है तो उनकी सीटें बढ़ेगी। लेफ्ट को वो कम कर रही है, कांग्रेस को इतना, देखिए कांग्रेस बड़ी मार्जिनल प्लेयर है, एक दो पॉकेट्स है उनके, मुर्शिदाबाद, मालदा, जहां वो पिछले सालों से जीत रही है। असली लड़ाई इस बार है ममता वर्सेस भाजपा, और इसी लड़ाई की वजह से मुझे लगता है ये हम देख रहे हैं, ये ममता का ड्रामा एक तरह से है, और सेंटर का जिस तरह से हर, आज तो मैं देख रहा हूं टीवी पर हर मंत्री आ रहे हैं, मंत्रालय छोड़कर, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, सबने आज अपने मंत्रालय छोड़कर ऑल आउट ममता को एक तरह से टारगेट करना है। पर तकनीकी रूप से ममता बनर्जी का, क्योंकि वो सिर्फ टीएमसी की नेता नहीं है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी है, ये रवैया, आप पूरी सरकार लेके धरने पर बैठ गई। ये बड़ा आश्चर्य है कि पुलिस अफसर भी ममता के साथ बैठ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि पुलिस अफसर जो है उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, या तो वो ममता के पुलिस अफसर हैं या सीबीआई को लोग देखते हैं कि ये केंद्र के अफसर हैं, वो सब आईपीएस से आए हैं, उन्होंने एक एग्जाम दी है, कानूनी तौर पर वो जनता के लिए पुलिस अफसर हैं जी, वो हमारे लिए काम करते हैं, किसी सरकार के लिए नहीं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि पुलिस कमिश्नर भी या डीजीपी भी बैठ रहे हैं ममता के साथ। अनप्रेसिडेंटेड है ये, मुझे देखिए कई पुलिस अफसर चुनाव लड़े हैं पार्टियों से इस्तीफा देकर। हाँ। लेकिन सरकार में रहकर किसी नेता के साथ इस तरह से धरना पर बैठना, मुझे लगता है ये कभी नहीं हुआ, और ये मुझे लगता है हमारे कानूनी दृष्टि से, हमारे संविधान के दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है जो फेडरल स्ट्रक्चर है और जो एक तरह से स्वतंत्रता है हमारे जो सरकारी अफसर की, वो पूरी तरह से चली गई। जिस तरीके से सीबीआई के अफसरों को ठूस के गाड़ी में डाला गया, या फिर सीबीआई कॉम्प्लेक्स के बाहर सीआरपीएफ तैनात करनी पड़ी,
देखिए जिस तरह से सीबीआई भी खुद वहां पुलिस कमिश्नर को एक तरह से इंक्वायर करने आई रविवार के शाम को, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है, टेक्निकल पेज है, क्योंकि उनको कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ था, इन्हें कोर्ट में जाना चाहिए था, ये सीधे पूछताछ करने पहुंचे। बिल्कुल, हालांकि अब एक कागज सर्कुलेट हो रहा है कि हमने तो इनसे कहा था कि जांच में सहयोग करें। देखिए दूसरी तरफ से बंगाल की सरकार भी कागज अब फैला रही है कि हमने तो चिट्ठियां लिखी है, हम तैयार हैं आपके सवाल लेने के लिए, लेकिन कम से कम हमें नोटिस दीजिए। तो देखिए दोनों तरफ से ये वाद विवाद तो चलता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर इसी तरह से, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा कि सीबीआई मेरे परमिशन के बगैर यहाँ नहीं आ सकती, सवाल यह है कि सीबीआई क्या देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो फिर क्या वो किसी राज्य में जा सकती है या नहीं? क्या लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है? कोई भी राज्य कल कहेगा कि मैं एक तरह से, मुझे सीबीआई में कोई विश्वास नहीं, मैं सीबीआई को नहीं मानता, अगर इस तरह से झगड़े के आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाके निपटेंगे, वो तो होना ही है। सीबीआई के नियुक्ति, डायरेक्टर के नियुक्ति का जो फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट जाता है, बंगाल और केंद्र के बीच में जो टकराव हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। तो ये पूरा जो एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनेताओं को ये पता चलना चाहिए, आप किसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं लेकिन इस तरह के दुश्मन तो नहीं बन सकते। और पुलिस अफसर को अपने आप से जोड़, पुलिस अफसर आपके कोई एक तरह से आपके पार्टी वर्कर नहीं है। बिल्कुल, वो तो एक तरह से धरने पर आप अपने पार्टी वर्कर के साथ जरूर बैठिए, आपके सांसद के साथ बैठिए, आपके विधायक है उनके साथ बैठिए, पर अगर आप बैठने लगे पुलिस अफसर के साथ तो लगता है जैसे वो वही मेडल भी बांट दिए आज धरना स्थल और क्या कह सकते। बिल्कुल, ममता बनर्जी पे एक इल्जाम ये लगा रहे हैं जो रविशंकर प्रसाद ने, उस पर मैं आपका टेक जानता हूँ क्योंकि आप उनकी पॉलिटिक्स को काफी डिकेड से ऑब्जर्व कर रहे हैं दिल्ली में वहां भी, कि मदन मित्रा और कई राज्यसभा सांसदों और मंत्रियों का नाम आया जी, इल्जाम लगे सब पे, तो बीजेपी पूछ रही है तब तो आपने इतना स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं किया, बहुत से बहुत रैलियां की, धरने किए, अब इतना स्ट्रॉन्ग ऐसा क्या है कोलकाता पुलिस कमिश्नर में जो एकदम से ममता बौखला गई? इज इट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग लोकसभा चुनाव? बिल्कुल, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का मौसम है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे बीजेपी बार बार बंगाल जा रही है, प्रधानमंत्री वहां शनिवार को थे, उसके पहले अमित शाह गए, योगी आदित्यनाथ जाना चाहते थे, उन्हें लैंड नहीं करने दिया, तो ये एक माहौल बन गया है जहां टकराव, लोग एक दूसरे से डर रहे, वो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, केंद्र क्या करेगी, क्या कहीं मुझे अरेस्ट करेंगे। देखिए ममता के कुछ सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय, वो जेल में गए हैं चिटफंड स्कैम में, ये भी महत्व की बात है, एक मुकुल रॉय जो आज बीजेपी में है वो भी इसी नारदा सारदा में अक्यूज्ड है, हेमंत विश्व शर्मा का भी नाम आया था और उनके खिलाफ जैसे ही वो बीजेपी में गए उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। तो इसमें देखिए सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह है और ममता पर भी प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, और मुझे लगता है लोगों का विश्वास हट गया है इन सब चीजों से, लोग कहते हैं ये नूरा कुश्ती हो रही है, या कहीं ना कहीं सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है या बंगाल पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। एक आखिरी सवाल, आपने मुकुल रॉय का जिक्र कर दिया, कई लोग कह रहे हैं कि ये मुकुल रॉय ही है जो भाजपा के खेमे को बता रहे हैं कि ममता को बंगाल में उन्हीं के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में कैसे टैकल करना है, क्या है मुकुल रॉय की कहानी? बिल्कुल सौरभ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मुकुल रॉय ममता के करीबी माने जाते थे, रेलवे वर्कर लोडर थे, बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन तृणमूल की जो थी उसमें मुकुल रॉय का बड़ा हाथ था। ममता चेहरा थी, ममता मास लीडर है, मुकुल रॉय एक बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं वो भी हारे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जानते थे। हाँ, और ममता को जैसे कोई आज मुझे नेता कह रहा, हमेशा घुसपुस करते थे ममता के सिर कान में, तो वो ममता के करीबी माने जाते थे, अब वो बीजेपी में गए हैं। Then what went wrong उन दोनों के बीच? देखिए कई चीजें लोग कहते हैं कि मुकुल रॉय को वो अहमियत नहीं दी गई, जैसे अभिषेक बनर्जी जो ममता के जो नेफ्यू भतीजे हैं, जैसे वो आगे आए पॉलिटिक्स में, मुकुल रॉय को किनारे किया गया। दूसरी बात कहते हैं कि भाजपा के नेताओं ने मुकुल रॉय को कहा साहब कि अगर आपको जेल नहीं जाना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हेमंत विश्व शर्मा के भी संदर्भ में यही बात, देखिए हेमंत विश्व शर्मा को जिस तरह से असम में भाजपा ने बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, उनकी वजह से कांग्रेस को हराया, अब भाजपा को शायद लगता है हमारे पास कोई लोकल लीडर है नहीं, ये दिलीप घोष वगैरह ममता को नहीं टक्कर दे पाएंगे, बाबुल सुप्रियो आपको, आपके लिए ठीक है गाना अच्छा गाते हैं लेकिन ममता को टक्कर देना पूरे राज्य में मुश्किल है, तो मुकुल रॉय को लाते हैं। मुकुल रॉय ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर अच्छे हैं, लेकिन क्या वो वाकई
लीडरशिप में ममता को टक्कर दे पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल है। देखिए ममता एक लोकप्रिय नेता है, हम यहाँ बैठकर कह रहे हैं ड्रामा क्वीन ये वो, लेकिन बंगाल के लोग, और ममता वही राजनीति कर रही है, बंगाल की रानी मैं हूँ, और दूसरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता केंद्र के खिलाफ, ये लेफ्ट ने भी किया है, ज्योति बासु भी करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी भी लोकप्रिय नेता है बंगाल में, लोग चाहते हैं कि एक बदलाव, और ममता की जो मुस्लिम अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति है उसके खिलाफ बीजेपी ने धीरे धीरे अपना एक हिंदू वोट जरूर बनाया है, और सिटीजन बिल भी उनकी मदद कर रहा है बिल्कुल, और कहीं सिटीजन बिल जो असम में उनको शायद नुकसान दे रहा है, शायद बंगाल में थोड़ा एडवांटेज दे, लेकिन एक बात साफ है कि लेफ्ट जैसे कमजोर होती जा रही है, बीजेपी वो जगह, वो जो वैक्यूम है उसे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं ममता को हराना बंगाल में मुश्किल है, इस समय नामुमकिन नहीं, मुश्किल है नामुमकिन नहीं। इसी बात पर ये बातचीत खत्म करेंगे, बाकी राजदीप से हमने कॉल ले लिया है कि हर हफ्ते ललन टॉप के पाठकों और दर्शकों से जो भी देश भर में सियासत हो रही है 2019 के लोकसभा चुनाव के आलोक में 272 के आंकड़े के लिए, तो मिशन 272 पर हर हफ्ते आपसे मुलाकात होगी राजदीप सरदेसाई के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ममता और मोदी के बीच की ये जो नूरा कुश्ती है सीबीआई, जिसमें एक तरफ है कोलकाता पुलिस दूसरी तरफ, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। शुक्रिया।